विद्यार्थियों में बढ़ती हिंसा की प्रवृत्ति और मानसिक तनाव के लक्षणों ने शिक्षा जगत के गुरुओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बच्चे हिंसा की ओर जाने की बजाय पढ़ाई और खेलों में अपना कैरियर कैसे बनाएं, इस पर बहुत से शिक्षण संस्थान बड़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में अम्बाला के SD कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मनोवैज्ञानिकों और मोटिवेशनल स्पीकरों ने विद्यार्थियों को अप टू डेट रहने के टिप्स दिए। यमुनानगर में हुई प्रिंसिपल की हत्या और स्कूली बच्चों की हत्या के आरोपों में छात्रों की संलिप्तता सामने आने के बाद समाज में बढ़ रही हिंसा पर हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इन वारदातों से शिक्षा जगत के माथे पर भी चिंता की लकीरें उकेर दी हैं। विद्यार्थी कैसे हिंसा और तनाव से दूर रहें, इस बारे में शिक्षण संस्थान विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं ताकि वह अपनी दिशा से ना भटक जाएं। ऐसा ही एक सेमिनार SD कॉलेज में हुआ, जहां पर एक्सपर्ट्स ने बच्चों को जीवन में सफल होने का मंत्र दिया। कॉलेज प्रबंधक ने इसे ज़रूरी बताते हुए इसके दिल खोलकर सराहना की है और आगे भी ऐसे आयोजन करवाए जाने की बात कही है। कार्यक्रम में शामिल हुए विद्यार्थियों ने गाइडेंस सेमिनार को कारगर करार देते हुए कहा कि एक्सपर्ट्स ने बड़ी ही बारीकी से जीवन के हर पहलू को छूने का काम किया है। उन्होंने जो टिप्स दिए हैं उससे तनाव और गुस्से को कंट्रोल करते हुए माइंडसेट करके पॉजिटिव ऊर्जा में लगाने में मदद मिलेगी। इस तरह के सेमिनार जीवन के हर मुश्किल वक्त में संकट मोचन की भूमिका निभाने का काम करते हैं। विद्यार्थियों ने कहा कि उन्हें बड़े ही अच्छे तरीके से हर बात समझाई गई, जो जीवन में काफ़ी काम आएगी। ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। विद्यार्थी जीवन की ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर किसी भी प्रदेश या राष्ट्र का भविष्य बदला जा सकता है। अम्बाला से कृष्ण बाली, आजाद TV न्यूज। आजकल जितनी भी घटनाएं हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर, स्कूल कॉलेजेस के अंदर, ये बच्चों के अंदर एग्रेशन बढ़ रहा है, सोशल मीडिया एंड ऑल दीज थिंग्स, बच्चे इंटरनेट को देख के बच्चों के अंदर जो एग्रेशन है बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने, क्योंकि छोटे छोटे इवन जो स्कूल्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कॉलेजेस में थोड़ी होती थी, उस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखा। तो हमने ये जो स्पेशली आज का जो सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया है, हमने अपने बच्चों के लिए इसी चीज़ के लिए किया है, ताकि बच्चों का जो एग्रेशन है उसको कैसे वो कंट्रोल कर सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन चीज़ों के ऊपर हमने थोड़ा फोकस किया है।